नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। कितने कयास, कितनी अटकलें और कितने मुद्दे पिछले 2-3 दिनों से हवाओं में थे। कांग्रेस कह रही थी कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी बहुत बड़ी फूट का सामना कर रही है। कोई बड़ा नेता जिस कार्यक्रम में सिंधिया शिवराज सिंह एक साथ होने वाले हैं उसमें ग्वालियर चंबल के सारे बड़े नेताओं की अनदेखी की गई है। लंबी चौड़ी नामों की फहरिस्त भी आई थी, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा का नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो ग्वालियर चंबल की जीत सुनिश्चित करेंगे। ये खास जिम्मेदारी प्रभात झा पे है। जयभान सिंह पवैया इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो वहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा खासा होल्ड रखते हैं ग्वालियर में, बजरंगी दादा के नाम से फेमस है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर माथा टिकाने आजकल सिंधिया समर्थक लगातार जा रहे हैं, खासतौर से मुन्ना लाल गोयल, OPS भदौरिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर, क्योंकि बिना पवैया की मदद के जीत का रास्ता ग्वालियर चंबल में बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। इसीलिए कांग्रेस को चुटकी लेने का ये मौका मिला था कि इन्हीं लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। खबरें यहाँ तक आई कि खुद जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा जैसे नेता काफ़ी नाराज़ हैं और कह चुके हैं कि हम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले नहीं हैं। लेकिन आज जब कार्यक्रम की तस्वीरें आईं तो पूरा नज़ारा बदला हुआ था और सबसे ज़्यादा झटका शायद कांग्रेस और कमलनाथ को ही लगा होगा ये मंच की तस्वीरें देखकर, जहाँ जयभान सिंह पवैया भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे और प्रभात झा भी थे। यानी वो कहते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लेकिन यहाँ पर जब बीजेपी के मंच पर आमने सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया थे तो ये वाला जो साइंस का सिद्धांत है ये झूठा नज़र आया। दोनों लाइक पोल्स हैं इस मायने में क्योंकि दोनों ग्वालियर चंबल की राजनीति में बहुत रसूख, बहुत दम रखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ के पिलर्स हैं राजनीति के, लेकिन रिपेल नहीं कर रहे थे, एक मंच पर एक साथ थे। सिंधिया जी ने खुद आगे बढ़कर पवैया का अभिवादन किया, पवैया से बातचीत की। बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा था कि अब असंतोष बहुत ज़्यादा गहराएगा। इस कार्यक्रम में ना पवैया होंगे ना प्रभात झा होंगे तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देगी, नए कार्यकर्ताओं को क्या जस्टिफिकेशन देगी कि जो अपने पुराने नेताओं को नहीं संभाल पा रही वो नए नेताओं को कैसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन ये सारे तमाम कयास धरे रह गए, असंतोष की सारी बातें कम से कम ये मंच की तस्वीर देखकर तो लग रहा है कि सच नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ वीडी शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जयभान सिंह पवैया भी हैं मुस्कुराते हुए, प्रभात झा तो खैर मास्क पहने हैं तो मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रही लेकिन आंखों में चमक है, और नरेंद्र सिंह तोमर तो इनवाइटीज में पहले ही शामिल थे तो वो भी पूरे दमखम और पूरे सम्मान के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो अभी 2 दिन और रहने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के दौरे पर और पूरी उम्मीद है कि इसी तरह चौंकाने वाली तस्वीर आती रहेंगी सामने। पर इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो चुका है कि फिलहाल खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लेवल पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने बीजेपी के पुराने नेता हैं सबको साध कर चला जा सके। जिस तरीके से वो खुद आगे बढ़े, जयभान सिंह पवैया के पास गए, बात की, हालांकि नज़दीकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़े डिस्टेंस के साथ ही बात की, लेकिन उसे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कह सकते हैं, और इसे देखते हुए लगता है कि पवैया भी चाहे जितनी भी नाराज़गी हो लेकिन अपनी पार्टी का साथ देने से बहुत पीछे नहीं रह पाएंगे। तो आने वाले दिन कुछ और इक्वेशंस, कुछ और समीकरण बदलने की है, देखते हैं और क्या क्या नई इक्वेशंस देखने के लिए मिलती हैं। धन्यवाद।